नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Infinix Note 40X 5G versus Vivo Y200e 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Note 40X में 6.65 इंच जबकि Y200e 5G में 6.42 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि Note 40X से कम है। विड्थ की बात करें तो Note 40X में 3.01 इंच जबकि Y200e 5G में 2.98 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि Note 40X से कम है। बात करें थिकनेस की तो Note 40X में 0.33 इंच जबकि Y200e 5G में 0.31 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो Note 40X में 201 ग्राम्स जबकि Y200e 5G में 185.5 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है। चलिए अब हम डिस्प्ले की तुलना करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Note 40X में IPS LCD जबकि Y200e 5G में AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Note 40X में 6.78 इंचेस जबकि Y200e 5G में 6.67 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Note 40X में 1080x2460px FHD+ और Y200e 5G में 1080x2400px FHD+ मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Note 40X में 84.6% जबकि Y200e 5G में 86.83% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Note 40X में 396 पिक्सेल प्रति इंच जबकि Y200e 5G में 395 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Note 40X में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में AI लेंस देखने को मिलता है। और Y200e 5G की बात करें तो इसमें भी हमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, डेप्थ कैमरा और आखिर में थर्ड कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो दोनों फोन में 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो दोनों फोन में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU और RAM की जानकारी देखेंगे। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Note 40X में माली G57MC2 जबकि Y200e 5G में Adreno 613 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Note 40X में MediaTek Dimensity 6300 और Y200e 5G में Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 मिलता है। बात करें RAM की तो Note 40X में 2 ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें 8GB 12GB की RAM मिलती है, जबकि Y200e 5G में 2 ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें 6GB 8GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Note 40X में 256GB जबकि Y200e 5G में 128GB स्टोरेज मिलती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में एंड्रॉइड V14 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो Note 40X में 3 कलर्स जबकि Y200e 5G में 2 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं।
सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की, तो नोट 40X में दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 8GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 14,999 रुपीज, 12GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 15,999 रुपीज में मिल जाता है। वही अगर बात करें Y200E 5G की, तो उसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 19,999 रुपीज, 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 20,999 रुपीज में मिलते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स, यानी कि फायदे और नुकसान की। तो Infinix Note 40X 5G में 4 फायदे और 3 नुकसान देखने को मिलता है। जबकि बात करिए Vivo Y200E 5G की, तो उसमें 8 फायदे और 8 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की, तो डिस्प्ले में Y200E 5G आगे है, मेन कैमरा में Note 40X आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में Y200E 5G आगे है। दोस्तों, अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें, तो उसमें Vivo S19 Pro 5G है, दूसरा Realme Nazo N65 5G है, तीसरा Infinix Note 40 5G है, और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें, तो उसमें Oppo K 12X 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्रिय दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।